ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जो है हम लोग रिसर्च की हम लोग बात करते हैं ना। रिसर्च अगर हम लोग थोड़ा इसको जनरलाइज्ड वे में अगर हम लोग डिफाइन करें तो वी से दैट रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू आंसर सम क्वेश्चंस। सी रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रिसर्च प्रॉब्लम। हमने भले हम लोग जो है पीएचडी कर रहे होते हैं और हम लोग का जो मेन एम होता है इज टू गेट पीएचडी डिग्री, बट एक्चुअली रिसर्च इज नॉट टू गेट पीएचडी डिग्री। दैट इज व्हाई आई सेड दैट एक्चुअल रिसर्च स्टार्ट्स आफ्टर पीएचडी। जब आप पीएचडी के बाद जाते हैं, क्योंकि पीएचडी मोर ऑर लेस एक एकेडमिक डिग्री है, और खासकर मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे पीएचडी ऐसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एम हम लोग का एक एकेडमिक डिग्री गेन करने का भी होता है, जो कि बहुत हद तक मार्केट बेस्ड हम लोग का रिसर्च प्रॉब्लम्स नहीं होता है। या वी कैन से देयर इज नो अप्लाइड रिसर्च, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अप्लाइड रिसर्च और समथिंग विच रिसर्च प्रॉब्लम्स वी टेक फ्रॉम द मार्केट विच वी आर फेसिंग। तो ये चीज हम लोग को ध्यान, इसलिए मैं ये चीज एम्फसाइज करता हूँ कि एक्चुअल जो रिसर्च होता है वो स्टार्ट हम लोग का पीएचडी के बाद भी होता है। तो ये चीज हम लोग को इस चीज बहुत ही स्पेसिफिकली ध्यान देना होगा कि द होल रिसर्च एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम रिसर्च प्रॉब्लम। देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम वी फेस इन ऑर्डर टू गेट द आंसर फॉर दोज प्रॉब्लम्स, दोज रिसर्च क्वेश्चंस वी डू रिसर्च। रिसर्च ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं कि रिसर्च करना होता है, बल्कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इट कुड बी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, इट कुड बी सोशल प्रॉब्लम्स, इट कुड बी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, इट कुड बी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। सो देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम एंड इन ऑर्डर टू आंसर इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स वी हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस एंड वी हैव टू सर्च फॉर आंसर्स फॉर दोज इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर दोज क्वेश्चंस और वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स। दैट इज व्हाई वी से दैट रिसर्च प्रोसेस और द होल रिसर्च प्लानिंग दैट बिगिंस फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन आंसर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर दैट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज ए रिसर्च। अगर हम किसी चीज को बोलते हैं कि हमने रिसर्च किया है या वो रिसर्च है, तो उसके लिए जो है एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो चीज उसमें होना चाहिए। बेसिकली हाउ वी कैन सेपरेट रिसर्च फ्रॉम समथिंग एल्स, व्हेन एनी इंक्वायरी, व्हेन एन इंक्वायरी बिकम्स अ रिसर्च, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई, दैट वी हैव टू डिफाइन। कब एक जो है इंक्वायरी जो है वो रिसर्च हो जाती है, तो उसको रिसर्च होने के लिए देयर हैज टू बी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स? इट शुड बी कंट्रोल्ड। फर्स्ट वन इज इट हैज टू बी कंट्रोल्ड। So when we say control, khaskar in social science researches, this controlled is very important. Controlled is like, see, we go for doing causal researches. Certain things impact certain things, like advertisement impacts on sales, ya GST ka impact jo hai profitability pe kya hai. Theek hai? Ye sare cheeze hain. There is one query, I guess. Is the difference between research design and study design? See, study design, आप जो बोल रहे हैं study design जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। Research design का मतलब है कि हाँ, research design का मतलब है the framework of the research. Study design as such, study design से आप क्या बोलना चाह रहे हैं? I haven't heard of any terminology like study design. Research design is there and research design is one part of research planning. Research planning या research process is we can say is a whole process. एक पूरा एक वो एक macro level पे है और research design उसका एक part, that we can say that research design comes under research process. Study design से आप क्या बोलना चाह रहे हैं ये मैं नहीं clear हो पा रहा हूँ, लेकिन research design, there is a research design and if you are talking about study design, so probably you are talking about research plan. So obviously there is a difference between research plan and research design. Research plan is a more systematic and it is an overall जो procedure है उसको हम लोग लेते हैं और research design उसका एक part है research planning का, right? That is what I'm saying. Many of the say that our study, our study or based on this study can say, but you cannot say my study या my opinion. That has to be avoided. The researcher has the opinion. You have to say something like that. The researcher is an opinion. Or the और खासकर इस तरह की वर्ड हम यूज ही नहीं करना चाहिए कि आप सब कुछ जो है अपना हवाला दीजिए आपके स्टडी पे, आपके एनालिसिस पे, कि दिस हैज बीन फाउंड। रिसर्चर फाउंड की जगह के स्टडी फाउंड दिस,
or the analysis of this has been found. That is what we should do. अक्सर हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग आवर भी बहुत हद तक ठीक है कि वी फाउंड दैट और द रिसर्चर फाउंड दैट. जहां पे आप अगर सिंगल रिसर्चर हैं तो वहां पे भी आपको कभी भी किसी भी हालत में आई फाउंड और ये नहीं होना चाहिए. द रिसर्चर फाउंड और वी फाउंड कैन बी एक्सेप्टेबल बट इट इज बेटर दैट इफ यू से दैट इट वॉज फाउंड वेयर यू आर एक्चुअली डायरेक्टिंग और यू कैन एक्चुअली यू आर बेसिकली कोटिंग your study, not you are not quoting yourself or the people who are involved in it. Rather, you are quoting your study, you're quoting your methodology. So, wo jyada impactful ya jyada systematic mana jata hai. Theek hai. So, I was talking about the characteristics. The first one is controlled. So, when I said that controlled, iska matlab ye hota hai ki we know that there is something which will affect something. We are studying only limited things. Hum log limited cheezon ko hi padhte hain and rest things we just ignore or we just keep it as a as controlled thing hai na ki hum log social science mein thoda difficult hota hai because this is not pure science or social science mein attitudes or opinions or satisfaction level or these might differ and this might be for example if I am in bad mood and if I had a fight with my friend or something so probably my opinion will be different at that point of time जब आप उसमें study कर रहे हैं और जब मैं अच्छे mood में हूँ तो शायद मेरा opinion अलग हो. तो कई external factors भी हमें affect करते हैं. तो हमें as a researcher we have to make sure that this does not happen. So that is what we call controlled. It should be rigorous. So when we say rigorous, इसका मतलब है nothing should be taken as granted or nothing should be taken as rule of thumb. हम लोग क्या करते हैं अक्सर research paper लिखते हैं PhD करते हैं. आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ सैंपल्स. सैंपलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है सैंपलिंग हमने 200 ले लिया. अच्छा ठीक है रिसर्च पेपर है 200 ले लिया. थीसिस है नहीं थीसिस है तो 4 साल का काम है 5 साल का काम है. ऐसा करो कि 500 ले लो. व्हाट इज द लॉजिक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट व्हाट इज उसके पीछे कारण क्या है उसके पीछे क्या आपका आपका मेथोलॉजी क्या बोलता है. ऐसे बेसिस पे वी नो दैट सैंपल शुड बी डिराइव फ्रॉम पॉपुलेशन and there is proper system, there is proper formula. अगर आपका finite population है तो उसके लिए भी बहुत सारे formulas हैं. Yamin's formula है, Solvin's formula है, बहुत सारे formula है जिससे आप find कर सकते हैं कि आपका sample size कितना होना चाहिए. अगर infinite population है तो उसके लिए भी आपके formulas हैं. तो इस चीज को आपको identify करना होगा. Sample should always be drawn on the basis of population using certain what we can say formula or established method. Sampling techniques क्या होनी चाहिए. तो randomly हम लोग बोलते हैं randomly. Random का भी एक definition होता है. Random का मतलब है कि each and every item in the sample has got equal chance of getting selected. Probability सबकी same होनी चाहिए तब उसको हम बोलते हैं random sampling. लेकिन हम लोग आम मर्रा में जो है हम लोग क्या करते हैं random का मतलब है कि जो हमने मर्जी हुआ उसको हमने क्वेश्चनर दे दिया उससे हमने डेटा कलेक्ट कर लिया. तो ये सब जो चीजें हैं ये सब चीजें रिग्रेस में नहीं आती है. ये सब क्या है यू आर इन कंफर्ट जोन और यू आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम. दैट इज व्हाई इट शुड बी रिग्रेस. नथिंग शुड बी टेकन एज ग्रांटेड नथिंग शुड बी टेकन एज रूल ऑफ थम. देन इट शुड बी सिस्टमैटिक एज वी सेड इट शुड बी सिस्टमैटिक का मतलब है कि इट शुड फॉलो सर्टेन सिक्वेंशियल पैटर्न and everything should be properly defined. When I will be talking about steps, I will be taking this. You will aapko khud hi lagega ki ha ek systematic tarika hai. It should be valid and verifiable. So valid and verifiable ka matlab ye hua ki whatever you are giving as findings, whatever you are giving as suggestions, that should be correct and it should be based purely on your study results. Jo aapne analysis kiya hai us pe hi purely based hona chahiye. And when we say verifiable, verifiable का मतलब ये है कि चाहे उसको आप टेस्ट करें चाहे it should be verifiable from by others also. When others verify it, you are in position to verify it कि हाँ ये चीज है. And it should be consistent. Consistent की बात का मतलब ये हुआ चाहे उसको स्टडी को चाहे उसको एनालिसिस को मैं करूं चाहे उस एनालिसिस को आप करें चाहे कोई भी करें उसका जो रिजल्ट है that should come same. That should be consistent. तो ये भी चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा.
and then it is it should be empirical. So when we talk about empirical, empirical ka matlab hai, it should be based on observations, it should be based on study, है ना, जो आपने स्टडी ऑब्जर्वेशन किया है या इंटरव्यू किया है, डेटा पे बेस्ड होना चाहिए, तभी उसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज एम्पिरिकल. एंड इट शुड बी, लास्ट पॉइंट इज, इट शुड बी क्रिटिकल. क्रिटिकल का मतलब है कि योर स्टडी शुड स्टैंड टू द क्रिटिकल इंक्वायरी. सो इफ इफ समवन वांट्स टू इंक्वायर अबाउट योर स्टडी, इफ समवन वांट्स टू फाइंड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टडी, देन इट्स योर स्टडी शुड स्टैंड टू दोज क्रिटिकल इंक्वायरी. इट शुड बी क्रिटिकल इन नेचर. तो ये सब चीजें अगर आपके स्टडी में है, देन ये सब चीजें अगर आप जो है कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी चीज रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर ढूंढ रहे हैं, अगर ये सब चीजें हैं तब तो आपका जो स्टडी है वो रिसर्च कहलाएगा. और अगर ये सब चीजें नहीं है तो इट इज जस्ट एन इंक्वायरी, इट इज नॉट अ रिसर्च. सो दिस हैज टू बी वेरी मच क्लियर. ठीक है. सो दैट एंड ऑल्सो इन रिसर्च टू थिंग्स वी डू, आइदर वी वैलिडेट द एग्जिस्टिंग नॉलेज, चाहे तो हम कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वैलिडेट करते हैं. एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या होता है, बहुत बार हाइपोथेसिस हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, जीएसटी हैज एन पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी पे, एक पॉजिटिव इंपैक्ट है. ठीक है, ये चीज को हम टेस्ट करते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, या कोई ऑलरेडी एक कोई नॉलेज है जो हमारे इसमें है कि ठीक है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट के बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो वो सब चीजें अगर ऑलरेडी नॉलेज है उसको हम लोग वैलिडेट करते हैं with the new data, with the current data. और क्या करते हैं, या तो फिर हम लोग कोई नई नॉलेज को हम लोग एड करते हैं. सो वी डू टू थिंग्स इन प्राइमरली, ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें, दैट वाई वी डू रिसर्च, प्राइमरली वी डू टू थिंग्स, आइदर वी वैलिडेट द एग्जिस्टिंग नॉलेज और वी एड न्यू नॉलेज टू द बॉडी ऑफ स्टडी. जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें हम कुछ नया एडिशन करते हैं. तो यही दो चीजें हम लोग जो है रिसर्च के माध्यम से करते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज रिसर्च डिजाइन, रिसर्च प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ रिसर्च, या वी कैन से रिसर्च प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, तो रिसर्च की जर्नी जो है उसमें हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दो ही चीज का हम लोग प्रयास करते जानने का, एक तो कि क्या करना है, व्हाट हैज टू बी डन एंड हाउ इट हैज टू बी डन, एंड टू आंसर दिस टू थिंग्स इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द रिसर्च मेथड. यही दो चीजों को हम जब आंसर करते हैं तो दैट इज नथिंग बट द रिसर्च मेथोलॉजी. ठीक है, रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी में भी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं. इट शुड नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. रिसर्च मेथड्स अगर हम लोग बात करें तो वो स्पेसिफिक डेटा एनालिसिस टेक्निक हो सकता है, कोई एक 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 तरीका हो सकता है. जब हम लोग बात करते हैं रिसर्च मेथोलॉजी तो ओवरऑल बताता है, वो हर चीज के बारे में टच करता है, वो पूरे रिसर्च प्लानिंग का या पूरे स्टडी का आपका क्या मेथोलॉजी है उसकी हम लोग बात करते हैं. और रिसर्च मेथड्स क्या है, स्पेसिफिक मेथड, जैसे सैम्पलिंग हो गया. अब सैम्पलिंग में कई मेथड है, देर इज नो बॉल सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, स्टेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, तो ये क्या है, एक मेथड है. डेटा एनालिसिस टेक्निक, डेटा एनालिसिस टेक्निक में कई सारे एनालिसिस हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो सकता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, कंक्लूसिव हो सकता है, कॉजल हो सकता है, तो ये मेथड्स हैं. फिर कॉजल में भी बहुत सारे हो सकते हैं, रिग्रेशन हो सकता है, कोरिलेशन हो सकता है, वो सब मेथड्स टेक्निक्स हैं. ठीक है, तो रिसर्च मेथोलॉजी इज ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम और उसके अंदर में कई सारे मेथड्स के अंदर आते हैं. तो ये रिसर्च मेथोलॉजी की हम बात, आज जो हम लोग का फोकस है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स, और व्हाट आर द स्टेप्स इन रिसर्च प्लानिंग, या रिसर्च प्लानिंग या रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप आते हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप आता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी स्टडी जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद रिसर्च प्रॉब्लम. सी रिसर्च एक्चुअली हैपेंस व्हेन व्हेन पीपल व्हेन द मैनकाइंड फेसेस विद सम प्रॉब्लम्स, फिर उसको खोज करता है, फिर वो कुछ इन्वेंशन करता है. क्योंकि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो रहा हो, किसी चीज में प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन में जब प्रॉब्लम आया, लोगों ने व्हील खोजा कि हाँ व्हील के सहारे जो है हम लोग आसानी से जो है चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पीपल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो कोई ना कोई चीज जब प्रॉब्लम फेस होता है, प्रॉब्लम लोग फील करते हैं, उसको आंसर करने के लिए जो है रिसर्च किया जाता है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वी शुड सी इन मैनेजमेंट ऑल्सो देर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर बींग फेस्ड बाई कंपनी. कंपनी को देखना है कि कंज्यूमर किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं. ऑनलाइन मार्केटिंग अगर करना हो तो हम लोग कैसे मार्केटिंग करेंगे,
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे करें, हम लोग को क्या क्या चीज ध्यान देना होगा अगर हम लोग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में लोगों को हम लोग कैसे जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करें, या कंपनी आपकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही है तो उसको कैसे बेचे जाए, उसकी कैसी पॉपुलैरिटी गेन हो, ये सब क्या है, ये सब मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स है, ये सब कंपनी फेस करती है। ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम भी हो सकती है कि इम्प्लॉय सेटिस्फाई कैसे किया ताकि वो अपना अपना हाईएस्ट जो है अपना प्रोडक्टिविटी दे पाए, हाउ टू मोटिवेट देम, क्या क्या चीजें हैं जो उनको मोटिवेट करेंगी, क्या चीजें हैं जो उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द कंपनी उस चीज को बढ़ाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका जो जिसको हम लोग बोलते हैं सिटीजनशिप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर के हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के हो सकता है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर बींग फेस्ड बाय द मैनेजमेंट पीपल और द कॉमर्स पीपल, कॉमर्स में ये सब मैनेजमेंट में ये सब चीजें प्रॉब्लम फेस होती हैं, उसका हमें आंसर, हम लोग को डिसीजन, सी मैनेजर्स दे हैव टू मेक डिसीजंस, सो हाउ कैन दे मेक डिसीजंस अनलेस एंड अंटिल दे डू नॉट स्टडी द प्रॉब्लम, दे डू नॉट गो फॉर द प्रीवियस रिकॉर्ड्स में जाते हैं, एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, ओपिनियन लेते हैं लोगों का, उसको स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे ही ना फिर डिसीजन लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉब्लम हुआ ठीक है मुझको ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, यू कैन रिजॉल्व इट बाय लिविंग, इट्स नॉट लाइक दैट आई हैव समथिंग केम इन माय ड्रीम एंड आई विल इंप्लीमेंट इट टुमारो, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू स्टडी द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू स्टडी इट सिस्टमैटिकली। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं या कुछ उसमें जो है वी कैन से कंपोनेंट्स हैं जिसको हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। पहला, रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी अटैच्ड और शुड बी अबाउट सम सर्टेन इंडिविजुअल्स, सर्टेन ग्रुप और सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च प्रॉब्लम्स किन का रिसर्च प्रॉब्लम्स, किसी इंडिविजुअल का, कोई एक इंडिविजुअल है उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या किसी ग्रुप का, ग्रुप ऑफ पीपल दे माइट फेस प्रॉब्लम लाइक द टीनेजर्स और एल्डरली और पीपल ऑफ वाराणसी, राइट, एंड देन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फेस कर रहा है, इट कैन बी सेक्टर, इट कुड बी इंडस्ट्री, एनीथिंग। सो रिसर्च प्रॉब्लम शुड पर्टेन टू दीज थिंग्स, दीज थ्री ग्रुप्स एटलीस्ट, है ना, किसी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम होना चाहिए, ग्रुप का होना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। देन इट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, उसके पीछे कुछ एक ऑब्जेक्टिव लेकर के हम लोग कि रिसर्च प्रॉब्लम को केवल आइडेंटिफाई करना नहीं, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव है कि ठीक है हाँ हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आंसर फॉर दोज, सो देयर हैज टू बी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम, एंड देयर शुड बी ऑल्टरनेट मीन्स, और एटलीस्ट देयर शुड बी टू कोर्स ऑफ एक्शन। अगर किसी एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है तो उसमें रिसर्च क्या, यू हैव टू, ठीक है भाई इसका एक ही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, तब उसमें कोई डिस्कशन का बात ही नहीं है, उसमें देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनालिसिस और रिसर्च। व्हेन डज रिसर्च, रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च और रिक्वायरमेंट ऑफ एनालिसिस इमर्जेस, इट ओनली इमर्जेस व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन वी हैव मेनी थिंग्स एंड वी हैव टू चूज वन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव। जब हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं लेकिन उसमें से हमको बेस्ट तरीका चूज करना है अपने कंपनी के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब हम लोग को रिसर्च या डिस्कशन की इशू आती है। अगर किसी भी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है तब तो उसमें रिसर्च या कोई बात ही नहीं है, है ना, कि आप रिसर्च कितना भी कर लें लेकिन आपको फॉलो उसी को ही करना है, आपको अडॉप्ट उसी को करना है, सो देयर इज नो पॉइंट। दैट इज व्हाई रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड एनीथिंग, रिसर्च प्रॉब्लम तभी अराइज होता है जब देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट और देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स टू चूज फ्रॉम, तभी तो रिसर्च प्रॉब्लम की बात है। अगर ऐसा है ही नहीं तो रिसर्च प्रॉब्लम कैसा, राइट, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देन देयर शुड बी सम व्हाट वी से दैट देयर शुड बी सम एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब है कि एक सेटअप है जिसमें हम लोग काम करेंगे, जो हम लोग कंट्रोल्ड की जब बात किए थे कि एक सेट ऑफ एनवायरमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग्स। व्हेन वी से सेट ऑफ एनवायरमेंट, इट मींस एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, कि ठीक है हम इस प्रॉब्लम को करेंगे, इस कंपनी में करेंगे, ये डेटा होगा, ये सारी चीजें जो है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग को ध्यान रखना है जब भी हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम की हम लोग बात करेंगे। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट हैज टू बी टेकन
इन डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, हाउ डू यू डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो पहला चीज तो है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन ए जनरल वे, सबसे पहले तो एक जनरल वे में आप जो है डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बात किया कि जीएसटी का प्रोडक्टिविटी पे या प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका जो है इम्पैक्ट है कि नहीं, तो एक जनरल ये हमने डिफाइन कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है हम लोग जो है ये टैक्स का स्टडी है या फाइनेंस एरिया का है, तो हमने एक एरिया है, हमने एक डोमेन डिसाइड कर दिया, सब्जेक्ट एरिया या रिसर्च एरिया हमने डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको एक जनरल वे में उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना, देन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। यू हैव टू फाइंड आउट दैट फ्रॉम वेयर इट हैज ओरिजिनेटेड, ये रिसर्च प्रॉब्लम हुआ तो क्यों हुआ, कैसे है इसका कारण है, क्या कारण है इसके पीछे। फॉर एग्जाम्पल सम फ्यू पीपल आर सेइंग दैट जीएसटी इज वंडरफुल, इट इज मेकिंग इट इज बिकॉज इट इज वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी, सो इट इज वेरी गुड, बट देर कुड बी सम प्रॉब्लम ऑल्सो, लाइक अभी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, स्टेट और सेंटर को जो उनका सेटलमेंट है उसको लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब क्या है, वी हैव टू गो इनटू डीप अबाउट द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इफ सडन प्रॉब्लम हैज हैपेंड देन व्हाई इट हैज हैपेंड, उसके पीछे का कारण क्या है, उसका नेचर क्या है। वी हैव टू स्टडी द प्रॉब्लम थोरोली, देन ओनली वी विल बी गेनिंग इनसाइट अबाउट इट, एंड देन ओनली वी आर इन द प्रॉब्लम इन एक्चुअली स्पेसिफाइंग आवर रिसर्च प्रॉब्लम फ्रॉम ए जनरल वे टू स्पेसिफिक वे, राइट। देन थर्ड स्टेप इज सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर, ये पॉइंट तो हम लोग का इसमें भी आएगा जो हम लोग रिसर्च प्रोसेस की बात करेंगे, उसमें मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जितना पॉसिबल है उसको आपको जानने का प्रयास करेंगे। पहला चीज है आप खुद से उसको ओरिजिन और नेचर को समझिए, उसके बारे में लिटरेचर पढ़िए, किताबों में पढ़िए, आर्टिकल्स में पढ़िए, पेपर में पढ़िए, और एक्सपर्ट की कंसल्टेशन लिखिए। यू ऑल्सो गो फॉर एक्सपर्ट कंसल्टेशन, तो उस फील्ड में स्पेशलाइज लोग हैं उनसे भी पूछिए, उनसे भी डिसीजन करिए, तब आपको देखो एक्चुअल पिक्चर क्या है उसके बारे में आपको क्लैरिटी होगा। देन एट द लास्ट यू हैव टू रीफ्रेज, और यू कैन से यू हैव टू रिफाइन योर जनरल, जो आपने जनरल स्टेटमेंट जो बनाया हुआ था रिसर्च प्रॉब्लम को, उसको आपको रिफाइन करना है। तो इस तरह से जो है आप रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सो वंस यू आइडेंटिफाई योर रिसर्च प्रॉब्लम, यू नो ओके ठीक है ये रिसर्च प्रॉब्लम है, ये लोग फेस कर रहे हैं, इस रिसर्च प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है, दैट इज वॉट आई माई रिसर्च और माई स्टडी फोकस, वही मेरे स्टडी का फोकस है कि मेरे ये रिसर्च प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसमें क्या सजेशन दिया जा सकता है, यही मेरी स्टडी है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो आपका एक क्लियर होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इफ यू डू नॉट हैव एनी रिसर्च प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ रिसर्च, आप फिर आर्टिकल लिख रहे हैं, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ठीक है हाँ ये प्रॉब्लम हुआ है, ये जीएसटी ये है वो है, या आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, इट इज जस्ट एन आर्टिकल और इट कुड बी एन एसे। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट what we say research, then there should be some certain problem जिसको आप answer कर रहे हैं। Then second steps comes extensive literature survey. See, review of literature is very very important in any study, in any research, in PhD, खासकर PhD की बात कर रहे हैं, आप research paper की बात कर रहे हैं, review of literature बहुत ही important है। And sadly in what we do in most of the time we ignore this high time, सबसे ज्यादा जो ignored part होता है वो review of literature हम लोग की study में होता है। मैं अपने practical experience से बता रहा हूँ, जो हमारे students लोग करते हैं, या बहुत हद तक जब मैं student था मैंने भी ये चीज किया, तो ये चीज it is actually a problem, इस चीज को समझना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, we are not very much exposed to the idea that review of literature is very important to the extent that we say na, हम लोग बोलते हैं कि a good start is half work done. So I have an opinion that if you have done a good review of literature, 50% of your research is done there. आपका जो है 50% जो research का भार है, जो research का pressure है, वो वहीं से खत्म हो जाने वाला है अगर आपने एक सिस्टमैटिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है तो। और ये बहुत दुखद है कि हम लोग के यूनिवर्सिटीज में या जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में चल रहा है, मैक्सिमम बहुत से जगहों पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज इग्नोर्ड इन द सेंस
व्हाट पीपल डू कि सब कुछ जो रिसर्च स्कॉलर है सब कुछ काम वाम कर लेगा, स्टडी वगैरह कर लेगा, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर की ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का एक चैप्टर होना चाहिए भाई। हाँ ठीक है, सर कैसे होगा? तो कई सारे पेपर्स ले लेते हैं, कई सारे थीसिस लेते हैं, उनका रिव्यू उठा करके आप अपने रिव्यू के नाम पे, हाँ सो एंड सो सेड दिस, सो एंड सो सेड दिस, तो आपका स्टडी कंप्लीट हो गया। लेकिन चूंकि एक चैप्टर आपको दिखाना है तो आपने उस टॉपिक पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, जो कि टोटली गलत है। आप देखिए कि अगर हम लोग थीसिस, पीएचडी थीसिस की पॉइंट ऑफ बात करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं, सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स जो हैं आप पीएचडी स्कॉलर्स को गाइड कर रहे होंगे, तो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मान लीजिए अगर हम लोग ये इंडस्ट्री बेस्ड अगर हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को इस तरह समझिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक, रिसर्च टॉपिक, आपने जो है पीएचडी टॉपिक को आइडेंटिफाई किया और बोला कि हाँ इस पे काम करना है। अब सेकेंड स्टेप जो जरूरी है वो है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो चीज जो है वो उस पर न करके डेटा कलेक्शन करना शुरू कर देंगे या उस पर चैप्टर लिखना शुरू कर देंगे, जबकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आजकल जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं वो प्योरली रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे बेस्ड है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है कई जगह काम आता है, केवल आप उससे जो है एक चैप्टर नहीं बनाते हैं, जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन भी आप जो है उसके हेल्प से लिखते हैं। जो हाइपोथेसिस आप डेवलप कर रहे हैं वो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर से लेकर के आते हैं। जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं, क्योंकि रिसर्च गैप पे वो बेस्ड होता है, वो सब कहाँ से आएंगे? आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आते हैं। जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस का भी, आपने ये एनालिसिस क्यों चूज किया उसका जस्टिफिकेशन भी आपको रिव्यू से देना होगा। आपने जो आपका जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट किस स्टडीज, किस कंसेंसस में है, वो भी आपका रिव्यू हो से आएगा। आप जब रिजल्ट देंगे कि ये चीजें पाया गया है, द स्टडी फाउंड दिस एंड दिस दिस दिस, देन यू विल आल्सो से दैट सिमिलर स्टडी वाज डन एंड इट वाज फाउंड। आपका जो रिजल्ट है दैट इज इन कंसेंसस विद द प्रीवियस रिसर्चेस आल्सो, जो लोग पहले भी रिसर्च किए हुए हैं, मे बी अलग समय पे, अलग टाइम होराइजन पे किया है, अलग डेटा के साथ किया है, उन्होंने भी यही सेम रिजल्ट पाया है। या तो फिर ये भी हो सकता है कि जो प्रीवियस जो रिसर्चेस हुए हैं उनके अपोजिट में ये रिसर्चेस हैं, बट आपको ये जस्टिफिकेशन देना होगा कि आपके स्टडी जो है वो जो प्रीवियस लिटरेचर है वो लिटरेचर के कंसेंसस में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी स्टेप उठा लेंगे रिसर्च में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको हर जगह काम आएगा। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस चीज का, अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बहुत से लोग हैं कि अपना पूरा जो टॉपिक है उस टॉपिक को डालेंगे, सर्च करेंगे, चाहे रिसर्च गेट में हो, जेस्टोर पे हो, चाहे गूगल स्कॉलर पे हो, कहीं भी आप सर्च करेंगे, आप चाहते हैं कि आपका जो टॉपिक है हूबहू वही, उससे रिलेटेड पूरा आपका जो है रिव्यू आ जाए या रिसर्च पेपर्स मिल जाए, जो कि बहुत ही रेयर होगा। एक दो पेपर हो सकता है एकदम मिल सकता है आपका आपका जो एरिया है, लेकिन ज्यादातर जो है, लेकिन आपको मैक्सिमम पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? जब आप डिफाइन कर लेंगे कि आपका रिसर्च एरिया क्या है, ब्रॉडर डोमेन, जैसे मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, देन यहाँ पे मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पूरा टॉपिक खोजने जाऊंगा तो शायद मुझे बहुत कम पेपर मिले, लेकिन मैं जब जीएसटी पे बात करूंगा, जीएसटी पे क्वेश्चन खोजूंगा, जीएसटी के साथ साथ और टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं उनकी मैं जब बात करूंगा तो मुझे बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। जब मैं फॉर एग्जाम्पल से दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर, अब ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर पे इन फॉर एग्जाम्पल फॉर रिटेल प्रोडक्ट्स, अगर रिटेल प्रोडक्ट्स में बात करें, या फॉर कॉस्मेटिक्स अगर हमारा स्टडी है, अगर मैं स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक्स की बात करूंगा तो शायद मुझे बहुत कम पेपर मिले, शायद ना भी मिले। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर की बात करूंगा, जरूरी नहीं है कि रिटेल प्रोडक्ट्स पे हो, और भी प्रोडक्ट्स पे हो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे, बहुत सारे उसमें थ्योरीज मिल जाएंगी। तो जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं ये ध्यान रखिए कि जो ब्रॉडर आपका जो थीम है, सिर्फ एकदम एग्जैक्ट टॉपिक नहीं, जो आपका ब्रॉडर थीम है उस पे जो है आप अपने अपने रिव्यू को फोकस करिए। यू विल गेट नंबर ऑफ पेपर्स, देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज थ्रू विच यू कैन गेट योर पेपर। आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत सब्सक्राइब की रहती है, बाकी गूगल स्कॉलर इज इट्स ओपन फॉर ऑल, तो वहां से जो है आप रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। काफी सारी यूनिवर्सिटीज में आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, उनके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं विद परमिशन। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लोग एक बोलते हैं कि पूरा कौन पढ़ेगा सर, 100 रिव्यू ऑफ लिटरेचर, 100 पेपर रिव्यू करना है, हाउ इट इज फिजिबल एंड हाउ इट इज पॉसिबल,
टू रीड ऑल द पेपर्स, बट नो यू डोंट हैव टू रीड ऑल द पेपर्स. आपको उसमें की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं केवल उनको, उन चीजों को ही आपको आइडेंटिफाई करना है. आपको पूरे पेपर की शायद मे भी आपको 10 12 15 पेपर ही पूरा पढ़ना पड़े जो एग्जैक्टली जिस पेपर को आप अपने रिसर्च में यूज करने वाले हैं या जिस मॉडल को आप अपने रिसर्च में रिप्लिकेट करने वाले हैं विथ योर डेटा विथ योर ऑब्जर्वेशन. केवल वही पेपर आप पढ़ने, बाकी पेपर में आपको बस यही देखना है ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या है. आपको पता है कि रिसर्च पेपर का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं है कि आपको फाइंडिंग्स कहीं और मिलेगा और रिसर्च ऑब्जेक्टिव किसी पेपर में कहीं और मिलेगा, ऐसा नहीं है. एक सिस्टम फॉलो होता है. अगर आपको खोजना है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि हाँ इस पेज पे यहाँ पर ये पैटर्न है, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव है. आपको ये देखना है कि क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, क्या उसने उसका जो है सैम्पलिंग सैंपल डिजाइन क्या है, क्या रिसर्च टेक्निक उसने यूज किया है, क्या उसके फाइंडिंग्स हैं. ये तीन चार चीजें आपको देखनी है. आपको मेन जो है वो तो आपको ये देखना है कि उनकी स्टडी किस चीज पे उनका काम है और व्हाट आर द रिजल्ट्स दे हैव फाउंड. उसी रिजल्ट्स का ही आप जो है हर जगह इस्तेमाल करेंगे. और उन्होंने क्या, आप जब देखेंगे कि उन्होंने क्या स्टडी किया है तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि क्या स्टडी नहीं किया है. और जो स्टडी नहीं किया है उसी को हम लोग बोलते हैं रिसर्च गैप. ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हम लोग रिसर्च गैप का मालूम चलता है. एंड ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च गैप वी एक्चुअली फाइंड दैट व्हाट शुड बी आवर स्टडी. अक्सर हम लोग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके स्टडी में नया क्या है, आपका स्टडी और जो इतने सारे स्टडीज हो चुके हैं उसमें अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस. इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन समटाइम्स टू आंसर बिकॉज यू विल से कि ठीक है इस पे तो बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं, आपके रिसर्चेस में क्या अलग है, आपके रिसर्चेस में क्या डिफरेंट है. ये पता कर पाना, ये बताना एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है. ऐसे में आपको रिसर्च गैप पे आपको फोकस करना होगा. बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ सर इंडिया में नहीं हुआ, या इंडिया में हुआ है लेकिन बनारस का नहीं हुआ, या इस डेटा का नहीं हुआ. ये सब जस्टिफिकेशन नहीं. आपको स्पेसिफिकली बताना है कि सर इस पे काम हुआ है लेकिन आई एम ट्राइंग विद न्यू वेरिएबल, आई एम ट्राइंग विद सम न्यू मॉडल, और आई एम इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू थिंग टू द मॉडल, और कोई हम नया टेक्निक से इस्तेमाल कर रहे हैं. ये सारी चीजें जो है हम लोगों को स्पेसिफिकली क्लियर करना पड़ेगा रिसर्च क्या. सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्टडी. प्लीज आई वुड सजेस्ट कि जितने लोग भी हैं, अगर आप पीएचडी की आप गाइड करा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हमारे यहाँ पर हैं, आप पीएचडी गाइड करा रहे हैं, आप इंश्योर करिए कि जो शुरू में ऐसा स्कॉलर आ रहा है एटलीस्ट शुरू के 6 महीने, वो एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 6 मंथ ही और शी शुड डिवोट इन रिव्यू ऑफ लिटरेचर. वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में तभी उसको मालूम भी चलेगा कि उसको करना क्या है, कैसे करना है. ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. Then the next is development of hypothesis. So sometimes it happens that there are certain study जहाँ पे hypothesis की requirement नहीं होती है. लेकिन आप ध्यान दीजिए कि commerce और management की हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादातर जो studies हैं अगर quantitative nature का है तो उसमें hypothesis होता है. अगर qualitative की बात कर रहे हैं और सब बात कर रहे हैं तो उसमें maybe it might be possible कि हाइपोथेसिस ना हो, बट हाइपोथेसिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस एक बेसिकली यार्डस्टिक है जिसको लेकर के आप अपने रिसर्च जर्नी को कंप्लीट करते हैं. हाइपोथेसिस, हाउ डू वी डिफाइन हाइपोथेसिस, यू नो वी से दैट हाइपोथेसिस इज एनी प्रिजम्पशन व्हिच इज टेकन टू बी करेक्ट अनलेस एंड अंटिल इट गेट्स रिजेक्टेड बाय सर्टेन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और टेक्निक. हम उसको तब तक सही मानते हैं. हाइपोथेसिस इज ए जनरल स्टेटमेंट और ए प्रिजम्पशन, बट अगेन इट शुड बी बेस्ड ऑन द रिव्यू, इट शुड बी बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर पे बेस्ड होगा. लिटरेचर से आप ये पता करेंगे, लिटरेचर से आप जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जीएसटी ने जो है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया दिया. अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, हाउ आई एम सेइंग दैट, ये मुझे कैसे मालूम, हाउ डिड आई से, हाउ डू आई नो एंड हाउ कैन आई जस्टिफाई कि मैं ये कर रहा. मैं फिर क्या बोलूंगा, आई हैव स्टडीड मेनी सो एंड सो पेपर्स, सो एंड सो स्टडीज आई हैव टेकन, सो एंड सो रिसर्चेस आई हैव सीन, एंड इट वाज फाउंड फ्रॉम दोज रिसर्चेस दैट जीएसटी हैज हैव एन पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. तो आई हैव टू कोट रिव्यू. ठीक है, उसके बेसिस पे मुझे हाइपोथेसिस को बनाना होगा. तो डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आर सर्टेन क्राइटेरिया टू डिजाइन द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को डिजाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं. कुछ चार चार पांच चीजें हैं, जैसे कि पहला है इट शुड बी सिंपल क्लियर एंड डिक्लेरेटिव फॉर्म. हाइपोथेसिस शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. यूजुअली इट्स ऑफ वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो है एक सेंटेंस का होता है यूजुअली. सो इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर. हाइपोथेसिस शुड नॉट बी सच दैट इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द रिसर्चर और द पर्सन हु इज रीडिंग योर रिसर्च. हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल एंड शुड बी क्लियर इन द सेंस दैट इट शुड मेक सर्टेन सेंस. आप उसको, लोग स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसे क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम क्या बात कर रहे हैं, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए. सेकेंड, इट शुड बी मेजरेबल एंड क्वान्टिफिएबल. हाइपोथेसिस शुड नॉट बी सच दैट उसको हम मेजर ही ना कर पाए. अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हाइपोथेसिस, हम लोग क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस कुछ और है और हम लोग स्टडी कुछ और बात कर रही है, तो ये भी नहीं होना चाहिए. आपका जो हाइपोथेसिस बोलता है, वट एवर हाइपोथेसिस इज सेइंग, यू हैव टू स्टडी ओनली इन ट्यून विद द हाइपोथेसिस. व्हाट यू हैव डिफाइंड योर हाइपोथेसिस, उसके बेसिस पे ही जो है आपका ये चीज डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज इट शुड बी बेस्ड ऑन एक्सिस्टिंग लिटरेचर एंड थ्योरीज एंड इट शुड नॉट बी योर गट फीलिंग और सब्जेक्टिव जजमेंट. इट इज वेरी मच क्लियरली इट सेड दैट हाइपोथेसिस शुड नॉट बी योर सब्जेक्टिव ओपिनियन. इट शुड नॉट बी ए गट फीलिंग कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है या ऐसा यूजली होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन लिटरेचर, इट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरीज. एंड सी अगेन, जो हाइपोथेसिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हम लोग यूजली बोलते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, एक होता है रिलेशनल हाइपोथेसिस. डिस्क्रिप्टिव में जो है हम लोग यूजली जो है हम लोग मैग्नीट्यूड या ट्रेंड या बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करने की बात करते हैं. रिलेशनल की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यूजली इम्पैक्ट की बात करते हैं या एक का कॉजल कॉजेशन की बात करते हैं, एक का इम्पैक्ट दूसरे पे क्या, उन सब चीजों की हम बात करते हैं. ठीक है. और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आपको पता है, इट कुड बी वन टेल और टू टेल, है ना. शायद अभी आपके और रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लासेस होंगी, उसमें स्पेसिफिकली इस चीज को बताया जाएगा. ठीक है. सो हाइपोथेसिस के बेसिस पे जो है आपको जो है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स, इस चीज को आपको डिफाइन कर देना है. एंड जब हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो उसमें से कई चीजों को हम लोग को पता करना होता है. सबसे पहला तो यही है कि हमको आइडेंटिफाई करना है गैप, रिसर्च गैप. एंड रिसर्च गैप को फिल करने के लिए जो है हम लोग को रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना होता है. ठीक है. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हम लोग फ्रेम करेंगे एंड इन ऑर्डर टू अचीव दोज रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इन ऑर्डर टू अटेन दोज रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट वी डू, वी फ्रेम द हाइपोथेसिस. नेक्स्ट वी गो फॉर रिसर्च डिजाइन. जो हम अगले उस पर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो वी टॉक अबाउट रिसर्च डिजाइन. सो रिसर्च डिजाइन क्या है? रिसर्च डिजाइन इज ए फ्रेमवर्क और इट्स ए ब्लूप्रिंट अबाउट व्हाट हैज टू बी डन और व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट हैज टू बी फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर स्टडी. इस पर्टिकुलर स्टडी में हम लोग का क्या, हम लोग स्टेप्स लेने वाले हैं, क्या हम लोग फाइंड करने वाले हैं, उसकी हम लोग बात करें तो वो होता है रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन बेसिकली ब्रॉडली हम लोग कैटेगराइज करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स. One is exploratory research design. Second one is conclusive research design. Exploratory research designs are those research designs which try to explore something new. कुछ जो है नया, किसी एक phenomena है, कोई एक problem है, उसमें कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं. Like what are the things that affect the opinion of we can say जो digital age में जो बच्चे हैं उनका opinion, उनका जो behavior है, consumer behavior, उसको कौन कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करता है. ऐसी चीजें जिसके बारे में ऑलरेडी लिटरेचर बहुत नहीं है या उसके बारे में डिफाइंड वेरिएबल्स डिफाइंड नहीं है, ऐसे अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो एक्सप्लोरेटरी नेचर का होता है, जहाँ पे हम लोग कुछ नई ट्रेंड, नया वेरिएबल, नया फिनोमेना को एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं. सेकेंड जो रिसर्च डिजाइन होता है दैट इज कंक्लूसिव. कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन जो है जहाँ पे हम लोग किसी एक ट्रेंड का, किसी चीज का, किसी फिनोमेना का, रिसर्च प्रॉब्लम का, उसका उसमें उसका हम लोग कोई एक कंक्लूसिव
रिजल्ट फाइंड करने का प्रयास करते हैं. वी ट्राई टू कंक्लूड समथिंग आउट ऑफ सर्टेन फिनोमेना पैटर्न और बिहेवियर. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन. नाउ कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड वन इज कॉजल रिसर्च. कॉजल और कैजुअल आप मत समझिएगा. इट्स ए कॉजल. कॉजल जब हम लोग बात कर रहे हैं वी कैन से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की हम लोग बात करते हैं. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अगर हम लोग बात करें तो एज द नेम सजेस्ट वी ट्राई टू डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना. कोई एक चीज है, कोई एक ग्रुप है, कोई एक पॉपुलेशन है, कोई एक ट्रेंड है, कोई एक फिनोमेना है, उसको हम लोग डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू स्टडी द इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ द वाराणसी. सो प्रॉब्ली द इनकम लेवल ऑफ द पीपल, द एज ऑफ द पीपल, द जॉब स्ट्रक्चर दे आर डूइंग, द जॉब दे आर डूइंग, ऑल दीज थिंग्स डिस्क्राइब्स द पॉपुलेशन. वो उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है. या अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें तो किसी चीज का एवरेज हम लोग क्या है, उसका उसका जो है उसका डिस्पर्शन क्या है, उसमें उसमें कितना प्रोग्रेशन है, ये सारी चीजें, उसमें क्या ट्रेंड है, ये सब जो चीज करते हैं हम लोग फाइंड आउट, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में आता है. कॉजल की हम लोग का बात करेंगे तो उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं खासकर. एंड अगेन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करें तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, लाइक बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल. देयर आर नंबर ऑफ रिसर्च डिजाइन. अगर हम लोग बहुत डिटेल में उसको बात करने जाएंगे तो इट विल टेक मच टाइम. बट लेट मी टेल यू एक्सपेरिमेंटेशन एज द नेम सजेस्ट, उसमें प्रॉपर हम लोग एक एनवायरमेंट सेटअप देते हैं जहां पे हम लोग एक, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे अभी रामदेव बाबा जी ने एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां पे उन्होंने कोरोनिल को लॉन्च किया था. उन्होंने बोला था कि ये हमारा इतने टेस्ट ग्रुप थे और इतने प्लेसेबो थे. सो प्लेसेबो ग्रुप का मतलब वही होता है कि कंट्रोल ग्रुप, जिसपे हमने कुछ नहीं किया, जिसको हमने ऑब्जर्व किया लेकिन उस पर हमने स्टडी नहीं की. तो तभी तो हम लोग देखेंगे ना कि हाँ ठीक है, ये दो लोग हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक पे हमने कुछ अप्लाई किया और दूसरे पे स्टडी अप्लाई नहीं किया. तो दोनों में जब अंतर आएगा तभी हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 20 टीचर्स हैं, 20 टीचर्स का जो है हमने 10-10 ग्रुप में बांट दिया, 10 जो 10 लोग हैं उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, FDP वगैरह करवाया, वर्कशॉप करवाया और 10 लोगों को नहीं करवाया. उसके बाद हम लोग कोई स्टडी करते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं, तो अगर उन दोनों में कोई अंतर है तब तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस है. अगर नहीं कोई सेम है तो इफेक्ट नहीं है. इसीलिए हम लोग कंट्रोल ग्रुप का भी एक इम्पोर्टेंस होता है. तो रिसर्च डिजाइन में अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो है तरीके हैं. तो दीज आर द बेसिकली वेरियस रिसर्च डिजाइन. सो रिसर्च डिजाइन में हमें बहुत सारी चीजें जो है हम लोग को ये आइडेंटिफाई करनी, हम लोग को डिफाइन करना होगा कि वॉट इज द टाइप ऑफ स्टडी, आपका स्टडी का टाइप क्या है, आपका और भी जो चीजें हैं आपका, जैसे सैम्पलिंग हो गया या मेथोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें जो है हम लोग को रिसर्च डिजाइन में हम लोग को उसमें स्पेसिफिकली क्लियरली जो है हम लोग को उसको डिफाइन करना होगा. नाउ द सेकेंड नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फोर्थ स्टेप, दैट इज सैंपल डिजाइन. नाउ सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो लाइक आई हैव जस्ट सेड दैट यूजली वॉट वी डू, वी टेक सैंपल्स एज our comfort says या as our comfort fits into. हम अपने comfort के हिसाब से, हम अपने requirement के हिसाब से या नहीं बोलेंगे, बल्कि हम बोलेंगे कि जो हमारे लिए सहूलियत हो उसके हिसाब से हम लोग sample size को ले लेते हैं, sample size भी decide कर लेते हैं और उस sample में कौन कौन से items होंगे वो भी हम लोग अपने comfort के हिसाब से decide कर लेते हैं, जो कि एक unsystematic या unscientific तरीका है. Sampling design में हम लोग कई चीजों को पता करने की बात करते हैं. सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी. तो पॉपुलेशन इज नॉट, व्हेन यू आर डूइंग सम रिसर्च, पॉपुलेशन इज नॉट द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी और दैट स्टेट और इंडिया या पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड. नहीं है, ऐसा नहीं है. जिस चीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उससे जो डायरेक्टली अफेक्टेड है या उससे जो डायरेक्टली अफेक्टेड वो है, वो हम लोग उसकी हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से
I want to study the people in Varanasi. We want to see what is the impact of smoking habit on people of India, people of Varanasi, for example. Now, in that case, we have to understand this, that यहाँ पे population हमारा क्या होगा? Population हमारा केवल वही होगा जो smokers हैं. If someone is not a smoker, then he will not become a part of our. If you are talking about Varanasi, तो Varanasi की सारी population को हम लोग नहीं लेंगे, जो केवल smokers हैं उनको लेंगे. या people who are in government job, या satisfaction, job satisfaction, employee satisfaction of government employees in Varanasi. अगर हम इसकी बात करें तो जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं केवल वही लोग जो है पॉपुलेशन का पार्ट बने. तो पॉपुलेशन का जो है डिफाइन करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो पॉपुलेशन वी हैव टू डिफाइन, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू डिफाइन सैंपल. सैंपल साइज क्या होगा वो डिफाइन करना है. सैंपलिंग टेक्निक्स क्या होंगे, देन इज समथिंग कॉल्ड सैंपलिंग फ्रेम. सो सैंपलिंग फ्रेम इज बेसिकली अ लिस्ट और अ डायरेक्टरी which list out the whole population, जिसमें से हम लोग samples को draw करते हैं, वो हमारा sampling frame होता है. Sampling unit क्या होता है, जिसको हम लोग observe कर रहे हैं, study कर रहे हैं, या जिसका हम लोग information ले रहे हैं. For example, हमारा जो हम SBI पे हम लोग study कर रहे हैं कि employees का जो satisfaction है in SBI, State Bank of India, कि हम लोग बात करें तो पल देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी इम्प्लॉयज हैं दे विल बिकम आवर पॉपुलेशन. तो उनका जो फॉर एग्जांपल उनका जो पेरोल होगा या जो उनका रोल लिस्ट होगा या जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लॉय लिस्ट होगा वो एक दिया होगा. कॉजल रिसर्च डिजाइन इज यूज. कॉजल रिसर्च डिजाइन हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है. लाइक इम्पैक्ट ऑफ GST ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कि उसका कॉज क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स, दैट इज अगेन कॉजल रिलेशनशिप. जब हम दो वेरिएबल जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और उनकी स्टडी करते हैं, उनका एक दूसरे पे कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, तो वो हमारा कॉजल स्टडी या कॉजेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट सैम्पलिंग. सो सैम्पलिंग यूनिट हम लोग का जो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ SBI बैंक. SBI बैंक में सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एम्प्लॉय. नाउ एम्प्लॉय कुड बी मैनेजर लेवल और ही कुड बी सम लोअर लेवल, वट एवर इट में भी है ना, क्लास 4 भी हो सकता है. तो अलग अलग ग्रेड है, तो वो हमारा सैम्पलिंग यूनिट है. तो सैम्पलिंग डिफाइन करने के लिए ये सारी चीजें जो है बहुत हद तक क्लियर होनी चाहिए. फिर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, दैट इज सैम्पलिंग टेक्निक. सैम्पलिंग टेक्निक क्या, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं अगर आपने ये क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है कि सैम्पलिंग टेक्निक्स आपने कौन सा इस्तेमाल किया है. वी नो दैट सैम्पलिंग टेक्निक्स जो अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो देर आर टू टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स. वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सेकेंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी हमारे 4-5 तरीके आते हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि जहां पे each and every unit in the population have got equal chance of getting selected in sample is called probability sampling. जहाँ पे सभी, for example, एक मैं class का survey करना चाहता हूँ. अब उस class में 100 बच्चे अगर हैं और मैं 10 लोगों को चुनना चाहूंगा तो सभी 100 लोगों के पास equal opportunity होनी चाहिए उस 10 जो sample मैं choose कर रहा हूँ उसमें select होने का. ये कैसे possible है, तो अगर मैं कोई एक तरीका इस्तेमाल करूंगा, जैसे 5 तरीके की मैं बात कर रहा हूँ. पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग. सिंपल रैंडम सैंपलिंग का क्या मतलब हुआ कि वी आइदर जनरेट रैंडम नंबर्स और वी टेक लॉटरी सिस्टम, या हम लोग जो है कूपन्स बना करके उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. 100 लोगों का हमने लिस्ट लिया, 100 लोगों का कूपन बनाया, नाम का चिट बनाया और उसमें से 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिए, तो सबकी अपॉर्चुनिटी सेम थी सिलेक्ट होने की. या तो फिर हम लोग जो है रैंडम नंबर हम लोग जनरेट कर लिए. एक्सेल में हम लोग रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, तो जो जो नंबर्स आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे. तो इस तरह से आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो सकता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो सकता है. देखिए 5 तरीके होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड देन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड आपका हो गया मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. ये जो 5 तरीके हैं ये आपके सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तरीके हैं.
सिस्टमैटिक में क्या है, हम एक कोई सिस्टम फॉलो करते हैं, कोई पैटर्न फॉलो करते हैं. लाइक वी कैन से एवरी फोर्थ स्टूडेंट या एवरी फोर्थ हाउस या जो हमारा लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी मिला है एसबीआई एम्प्लॉयज का, एवरी एवरी सिक्स्थ एम्प्लॉय. फॉर एग्जांपल 60 हैं और हमको 6 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो एवरी 10th एम्प्लॉय. ठीक है, इस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं. तो वो हम एक जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसको हम लोग सिस्टमैटिक बोलते हैं. देन देयर इज ए क्लस्टर सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम लोग हेट्रोजीनियस स्ट्रेटा बनाते हैं और सभी में से हम लोग कुछ 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 लोगों को सिलेक्ट करते हैं. सॉरी, होमोजीनियस क्लस्टर्स स्ट्रेटा बनाते हैं और सब में से जो है हम लोग कुछ कुछ लोगों को सिलेक्ट करके एक डिफाइंड प्रपोर्शन में हम लोग फाइनली सैंपल को चूज करते हैं. क्लस्टर सैंपलिंग में क्या करते हैं, हम लोग हेट्रोजीनियस क्लस्टर्स बनाते हैं और किसी एक क्लस्टर को चुन लेते हैं. ये शायद आप लोग का सैंपलिंग के लिए स्पेशली क्लास है पूरी, आई एम श्योर उसमें बहुत अच्छे से आप लोग को ये बताया जाएगा. तो क्लस्टर सैंपलिंग है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है और मल्टी स्टेज सैंपलिंग है. उसके बाद आपके आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो प्रोबेबिलिटी के बेस पे नहीं होते हैं, जिसमें इक्वल चांस नहीं होता है. बहुत बार बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही दो दे आर साइंटिफिक सिस्टम्स, साइंटिफिक टेक्निक्स, बट अगेन इट शुड बी जस्टिफाइड. सी, बेटर तो यही होता है दैट यू फॉलो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. आप किसी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को चूज कर रहे हैं, बट इन केस यू आर इन नॉट इन पोजिशन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, यू हैव रिसोर्स कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट, तो प्रॉब्ली यू कैन गो फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. बट अगेन यू शुड हैव प्रॉपर जस्टिफिकेशन, देन इट इज फाइन. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में भी कई तरीके हैं, लाइक वी से जजमेंटल सैंपलिंग. जजमेंटल सैंपलिंग का मतलब है कि जो एक्सपर्ट्स हैं या आपके जजमेंट के हिसाब से कि आपका स्टडी कि कैसे लोगों को कैसे लोगों के लिए बेस्ट सूटेड है या किनका इसमें सर्वे होना चाहिए, उसके आपके जजमेंट के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका जजमेंट सैम्पलिंग होता है. कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी बहुत बार उसको बोलते हैं. कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब होता है कि विच इज कन्वीनियंट टू यू. फॉर एग्जाम्पल यू सेलेक्ट द एरियाज विच इज वो आप एरिया को चूज कर रहे हैं जहां पर आप हैं. फॉर एग्जाम्पल लोग बनारस, जैसे बीएचयू में अगर पीएचडी कर रहे हैं तो ऐसे बनारस के एरिया को लेते हैं कि स्टडी कुछ भी स्टडी कर रहे हैं सो एंड सो इन वाराणसी. व्हाई दे चूज वाराणसी, बिकॉज दे आर इन वाराणसी एंड फॉर देम इट इज फीजिबल टू डू स्टडी इन वाराणसी. दैट इज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है. उन्होंने एक जजमेंट एक कन्वीनियंस लिया है, लेकिन उसमें जो सैम्पलिंग का तरीका उठाएंगे वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उठाएंगे. राइट, तो ये चीज हाउ टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर रिसर्च वेयर टू यूज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. सी, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सैंपलिंग यूनिट. आपको कहाँ पे क्या सैंपल्स लेना है उसके बेसिस पे ही आप डिफाइन करेंगे कि आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लेना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. आपका पहला फोकस होना चाहिए कि यू गो फॉर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ज्यादा साइंटिफिक माना जाता है. ठीक है, इफ यू आर इन पोजिशन, मान लीजिए आपके डायरेक्टरी, आपके फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम का आप स्टडी करना चाहते हैं जहां पे 100 बच्चे हैं, 100 आपके सारे बच्चे आपके एक्सेस में हैं, आप किसी का भी सर्वे कर सकते हैं. लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन में भी आपने जो है सामने के फर्स्ट बेंच के 5 लोगों को ब्लैक करवा दिया तो वो गलत होगा, क्योंकि आपका एक्सेस सबके पास है. तो यू कैन इजिली गो फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. यू कैन डू देयर, यू कैन फॉलो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देयर. बट जहां पे इट इज not very much feasible in terms of resources, in terms of time, so you can go for non-probability sampling also. ठीक है, but कोई ना कोई sampling तरीका होना चाहिए. It should not be just like you can say कि जो आपको suit किया वैसा कि ऐसा नहीं होता. It should be on basis of something, right? So non-probability में भी as I said that there are convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling. Quota sampling का मतलब है कोई एक characteristics को fix कर देना. Right, like a cosmetic products, and then we can fix that. Okay, we want to survey women who are aged between 20 to 40. So you have set an quota. अब उसके basis पे जो है आप अपने samples को choose कर रहे हैं. तो आपका quota sampling में आता है. उसके बाद which sampling method is best? अगर best की बात करें तो see there is no best or no worst. It totally depends upon your research study. आपका research study क्या बोलता है
वो प्रॉपरली उसी पे बेस करेगा, आपका क्या रिसर्च क्या डिमांड करता है, आपकी सिचुएशन क्या है, उसके बेसिस पे ये माना जाता है। लेकिन हाँ, जहां पे आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, यू शुड गो फॉर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आप अपने कन्वीनियंस के लिए कन्वीनियंस सैंपलिंग ले लेंगे तो वो गलत है। आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि क्यों मैं, फॉर एग्जाम्पल, स्नोबॉल सैंपलिंग जो है एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का होता है। नाउ स्नोबॉल सैंपलिंग अक्सर जहां पे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट अबाउट पीपल हु आर डिप्रेस्ड, और ऐसे लोग जो स्मोकर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, और इफ योर स्टडी इज ऑन द सोशल स्टेटस ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, तो प्रॉब्ली ऐसे जो केसेस होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू वेरी वेरी बेस्ट एग्जाम्पल, लाइक होम वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस जैसे बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के आपके जो स्टडी है, मान लीजिए आप उसको स्टडी कर रहे हैं, तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस का कोई डेटाबेस नहीं मिलेगा कि हाँ ये लोग इनको जो है डोमेस्टिक वायलेंस है, अनलेस अंटिल वो अपना रिपोर्ट नहीं लिखवाए, FIR वगैरह नहीं करवाए, बहुत आपको बहुत इट इज वेरी डिफिकल्ट। या कितने लोग स्मोक करते हैं, इसका आपको कोई लिस्ट मिलेगा? प्रॉब्ली नहीं मिलेगा। लेकिन आपको स्टडी करनी है तो हाउ विल यू डू, यू विल ट्राई टू फाइंड कि ठीक है हाँ ये बंदा स्मोकिंग करता है, या आप उसी के पास जाएंगे, आप पूछेंगे कि ठीक है आपका सर्वे कर दिया मैंने, एनोनिमसली किया, आप उनसे पूछेंगे कि आपके परिचय में, आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, या ऐसे लोग हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए हैं, तो प्रॉब्ली वो कहेंगे ठीक है हाँ ये इनसे इनसे आप बात कर सकते हैं। आप उनके पास जाएंगे, उनका सर्वे करेंगे, फिर वहां से पूछेंगे, इसी को हम लोग स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं। तो अगर आपका, अब उसमें अगर आप चाहेंगे कि इस तरह के रिसर्च में आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग करें, या क्लस्टर सैंपलिंग करें, या सिस्टमैटिक सैंपलिंग करें, तो आई थिंक इट वुड नॉट बी पॉसिबल। तो ऐसे में आपके रिसर्च जो है वही डिफाइन करता है कि आपका सैंपलिंग टेक्निक क्या होगा। तो इस तरह से जो है यू हैव टू बी वेरी, बट यू हैव टू डिफाइन सैंपलिंग में ये दो तीन चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी होगी। एक तो कि सैंपल साइज क्या है, इस चीज को लेकर क्वेश्चन यूजली बहुत होता है, सैंपल साइज क्या है, रिस्पॉन्स रेट क्या है, और आपके सैंपलिंग टेक्निक क्या है। हर चीज का आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने इतना सैंपल साइज लिया तो क्यों लिया, आपने सैंपलिंग टेक्निक इस्तेमाल की तो क्यों इस्तेमाल की, इसका आप जस्टिफिकेशन अगर आप अपने रिसर्च पेपर में देते हैं, देन ओनली योर रिसर्च पेपर बिकम्स, वी कैन से, क्वालिटी रिसर्च पेपर। देन इन नेक्स्ट प्रोसेस वी गो फॉर डेटा कलेक्शन, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग हैं वो डेटा कलेक्शन पे हम लोग जाते हैं। डेटा कलेक्शन जो है, देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा, एंड वी ऑल नो दैट डेटा कैन बी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा करने, जो डेटा कलेक्शन है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके मैं बहुत ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा, समय भी बहुत पर्याप्त होने वाला है। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में जो है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है जहां पे आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल में देखना चाहते हैं कि शॉपिंग बिहेवियर क्या है, या आप देखना चाहते हैं कि जो फुटफॉल है मॉल में वो क्या वीकेंड में बढ़ता है, या किसी त्यौहार में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैन बी डन आइदर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और इट कैन बी डन मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन लाइक थ्रू वेबकैम और थ्रू सीसीटीवी कैमरा वगैरह, ठीक है। तो एक हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। तो फिर आप देखना चाहते हैं इम्प्लॉयज कैसे बिहेव करते हैं अपने वर्किंग फ्लोर पे, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, कैसे वो बिहेव करते हैं, तो वो भी मेथड के थ्रू आएगा। कई बार ये होता है, आप कोई एडवर्टीजमेंट देख करके जो कस्टमर है उसका क्या रिएक्शन है, उसके प्यूपल डायलेशन हो रहे हैं कि नहीं, वो उसका भी एक तरीका है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है आपके ऑब्जर्वेशन में आएंगे। सेकेंड वन इज इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, यू आस्क अ सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल। नाउ वी नो दैट इंटरव्यू कैन बी आइदर वन टू वन, फेस टू फेस पर्सनल इंटरव्यू, इट कुड बी टेलीफोनिक इंटरव्यू, और इट कुड बी नाउडेज ऑनलाइन इंटरव्यू ऑल्सो। सो इंटरव्यू कैन ऑल्सो, इंटरव्यू के बेसिस पे जो है आप पूछ सकते हैं। देन देर आर क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स। क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स प्रॉब्ली यू मस्ट बी नोइंग दैट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। क्वेश्चनेयर में आप जो है सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसको आप रिस्पॉन्डेंट को दे देते हैं, रिस्पॉन्डेंट अपने हिसाब से सो पढ़ता है, अपने हिसाब से सो रिस्पॉन्स करता है। शेड्यूल क्या होता है कि अगेन दैट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, बट हियर इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डेटा कलेक्टर। जो डेटा कलेक्टर है वो आपसे पूछता है क्वेश्चन, और वो अपने हिसाब से उसको डेटा एंट्री करता है, डेटा उसमें टिक करता है या भरता है। आप देखेंगे जो पॉपुलेशन, जो सेंसस होता है, वो एक तरह से शेड्यूल होता है, उसमें क्वेश्चन बांटा नहीं जाता। आपके पास कुछ लोग आएंगे, बैठेंगे,
आपसे सवाल करेंगे कि आप अभी कितने बच्चे हैं, आप क्या काम करते हैं, आप किस धर्म के हैं, क्या कास्ट के हैं, ये सब सारी चीजें, आपके आपके पास टीवी है कि नहीं, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। तो वो एक एग्जाम्पल है शेड्यूल का। क्वेश्चनेयर क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन, जैसे आप आजकल आप ऑनलाइन क्वेश्चनेयर को भर रहे होंगे, तो वो आपका एक क्वेश्चनेयर का फॉर्म है। और उसके बाद और भी बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक, जैसे मैंने बताया वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन, डेप्थ इंटरव्यू, कंटेंट एनालिसिस, सो ऑल दिस थिंग्स कैन हैपन। बट मोर और लेस आप भी समझिए कि प्राइमरी जो डेटा कलेक्शन है उसके तीन मेन तरीके हैं, एक है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा इंटरव्यू मेथड, तीसरा है क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। सिमिलरली सेकेंडरी डेटा कलेक्शन अगर आप बात करें, तो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन जो है आपको सेकेंडरी आपको पता है कि वो रेडीमेड डेटा होता है और वो सिंडिकेट डेटा है विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, इसका डेटाबेस होता है, बस आपको उस डेटाबेस को एक्सेस करना होता है, ठीक है। अब ये डेटाबेस इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि योर कंपनी योर सेल्फ, आपके कंपनी के पास खुद का सेल्स डेटा होता है, कंज्यूमर का रिकॉर्ड होता है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होता है, दीज आर इन हाउस डेटाबेसेस, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो एक्सटर्नल होते हैं, जो पब्लिश डेटा होते हैं, या कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो डेटाबेसेस को, जैसे प्रोवेस हो गया या ब्लूमबर्ग हो गया, ये सब कंपनी क्या है, इकोनॉमी का या और भी कंपनीज का जो है डेटाबेस तैयार करते हैं, एंड ऑन द एंड दे चार्ज फॉर देयर डेटा, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है आप जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, ये सबको भी आप जो है रेफर कर सकते हैं फॉर कलेक्टिंग डेटा, डेटा फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी डेटा बेसिकली आप कलेक्ट करना है, तो इन सब चीजों को भी आप रेफर कर सकते हैं। सो दैट इज डेटा कलेक्शन। सो वंस यू हैव कलेक्टेड डेटा, यू गो फॉर डेटा एनालिसिस, रिसर्च मेथोलॉजी या डेटा रिसर्च मेथोलॉजी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में डेटा कलेक्शन के बाद आप जो है उसको कोडिंग वगैरह करते हैं, उसको क्लासीफाई, यू डू डेटा क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड क्लीनिंग, ऑल दिस थिंग्स आपको भी, आपका और भी क्लासेस होंगे, ऑनलाइन क्लासेस जो आपके स्टैटिस्टिक्स के होंगे, वहां पे आपको ये चीज क्लियर होगी कि हम लोग जो डेटा जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, देन वी गो फॉर डेटा क्लीनिंग, वी गो फॉर डेटा टेबुलेशन, एंड देन वी गो फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस आपके हाइपोथेसिस, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपको जो है टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा। आपका क्या स्टडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यूजुअली क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, आपके डेटा के हिसाब से, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नेचर के हिसाब से आपको जो है टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करना होगा। देन व्हेन यू आर डूइंग डेटा एनालिसिस एंड इन डेटा एनालिसिस इटसेल्फ यू गो फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आप जो हाइपोथेसिस फ्रेम किए हैं उसको आप टेस्ट करते हैं, आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि वेदर द हाइपोथेसिस विच यू हैव सेट, वेदर दे आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड और नॉट एक्सेप्टेड भी से, है ना, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अक्सर ये भी हम लोग बहुत डिस्कशन होता है कि हम लोग जो लिखते हैं कि हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, क्या हमको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, बहुत लोग सलाह देते हैं, हालांकि हम लोग जनरली हम लोग यूज करते हैं वी वर्ड कि हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, बट दैट इज नॉट, some of the researchers, some of the scientific जो research करते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये नहीं लिखना चाहिए कि hypothesis is rejected, we say we either accept or we do not accept, फिर लोग बोलते हैं कि do not accept is as equal to rejected, do not accept का मतलब reject ही हुआ, लेकिन what is the use of pilot studying question, I will explain, लेकिन फिर बोलते हैं कि वो तो बात एक ही हुआ, लेकिन ऐसा उसमें ये रीजन आता है कि आप आपके हिसाब से, आपके स्टडी के हिसाब से, आपके लिमिटेड डेटा के हिसाब से, आपके लिमिटेड जो आपका स्टडी का दायरा है उसके हिसाब से आपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं किया है, बट इट माइट बी पॉसिबल, इट इज नॉट दैट कि हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्टेड फॉर एवर और इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एनीवेयर, मे बी इन न्यू डेटा, विद न्यू डेटा, विद न्यू एरिया ऑफ स्टडी इट माइट गेट एक्सेप्टेड एज वेल, सो दैट इज वाई वी से कि एज ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनालिसिस द हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड बिहाइंड इट, दैट वाई वी डू नॉट यूज द वर्ड रिजेक्ट इन द हाइपोथेसिस। खैर वो प्रैक्टिस में है, बाकी
बहुत बार लोग हाइपोथेसिस रिजेक्टेड भी लिखते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर दूं। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद आप जो डेटा एनालिसिस किए हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद यू गो फॉर इंटरप्रिटेशन। सो आपका रिजल्ट आया, आपका कुछ उसमें क्वांटिटी वर्ड आया कि हाँ इतने ये आपका मीन स्कोर ये है, आपका रिग्रेशन वैल्यू ये है, पी वैल्यू ये है, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ नॉट एक्सेप्ट हुआ, ये सारे चीजें आपने देखा, आपका ये रिजल्ट होता है। रिजल्ट के बाद जो है आपका आता है इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या हुआ। इफ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड व्हाट डज इट मीन, इफ हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्टेड व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, ये रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आंसर कर रहा है, आपको उससे जोड़ करके आपको बताना है। अगर हम तो पॉकेट मनी है बच्चों का, वो पॉकेट मनी एवरेज जो है महीने का मीन, जस्ट गिविंग ए डेटा, वो केवल एक रिजल्ट हुआ। लेकिन अगर मैं उसको किसी के साथ कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये कुछ दिनों में ये पॉकेट मनी बढ़ा है, या कुछ दिनों में ये पॉकेट मनी घटा है, या घटा है तो क्यों घटा है। तो ये सब चीजें जो है ये आपके इंटरप्रिटेशन में आता है, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आपका काम केवल एनालिसिस करके उसका रिजल्ट कोट कर देना नहीं होता है, उस रिजल्ट का क्या मतलब है, उस रिजल्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, और उस रिजल्ट का क्या इम्प्लीकेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स खूब लगा दिया, खूब एनालिसिस कर दिए, खूब पेपर जो है देखने में लग रहा है कि बहुत सारे इसमें ये टूल लग गया, वो टूल लग गया, लेकिन उसका आउटपुट क्या है। केवल उसमें एनालिसिस आप खूब सारा एनालिसिस कर देंगे, खूब सारा उसमें टेक्निक्स टूल्स एंड टेक्निक्स लगा देंगे, लेकिन जो आउटपुट है वो आपके आपके ऑब्जेक्टिव से कोई रिलेवेंस ही नहीं है, तो इट इज ऑफ नो यूज। दैट इज व्हाई इंटरप्रिटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरप्रिटेशन के साथ साथ आप सिग्निफिकेंस ऑफ द सिग्निफिकेंस भी देंगे कि उसका क्या बेसिकली वी टॉक, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीकेशन। आपने जो इंटरप्रिटेशन किया, आपके रिजल्ट का आपने जो सजेशन दिया, उसका क्या इम्प्लीकेशन है। व्हेन वी से इम्प्लीकेशन, बेसिकली वी से दैट जो रिसर्च क्वेश्चन हमने पूछा था बिगनिंग में, या जो रिसर्च प्रॉब्लम हम लोग बिगनिंग में लेकर के चले थे, उसका हम लोग क्या जवाब आ पा रहा है या क्या जवाब ले पा रहे हैं, उसकी हम लोग बात करते हैं इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीकेशन। देन लास्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, रिसर्च पेपर और थीसिस, वट एवर जिस चीज के लिए भी आपने स्टडी किया है उसको आप तैयार करते हैं, उसका भी एक आपको पता है कि थीसिस का भी एक पैटर्न होता है हर यूनिवर्सिटी। हालांकि यूनिवर्सिटी माइट सबका अपना अपना हो सकता है, लेकिन जो एक जनरल पैटर्न है उसको तो आप फॉलो करेंगे ही, वो एक लोग फॉलो करते हैं अक्सर। ये अभी लास्ट टाइम जब धरेंद्र सर से बात हो रहा था तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि यूजली ये होता है कि जैसे हम लोग पेपर लिख रहे हैं उसमें है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन डज नॉट मीन दैट यू, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग अ रिसर्च ऑन इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, सो इन इंट्रोडक्शन आई विल नॉट राइट द होल स्टोरी ऑफ जीएसटी। मैं जीएसटी के बारे में पूरी महाभारत में नहीं लिखूंगा, या प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में महाभारत नहीं लिखूंगा। इंट्रोडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, वो तो थोड़ा बहुत है ही है, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ योर स्टडी, वो बात करता है कि आपने अपनी स्टडी में क्या किया, उसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जी उसका जो है देते हैं इंट्रोडक्शन में। सिमिलरली बहुत बार ये मैंने भी फेस किया, देखा है लोग रिसर्च मेथोलॉजी लिखते हैं कि रिसर्च मेथोलॉजी, अब रिसर्च मेथोलॉजी में वो रिसर्च मेथोलॉजी को डिफाइन करने लग जाते हैं कि रिसर्च मेथोलॉजी क्या होता है। सैम्पलिंग की बात करेंगे तो लोग सैम्पलिंग के बारे में लिखना शुरू कर जाते हैं कि सैम्पलिंग इज ए टेक्निक ऑफ डूइंग दिस 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 दिस, जबकि आपको बात करना है कि सैम्पलिंग का मतलब आपके रिसर्च में क्या सैम्पलिंग यूज किया है आपने। मेथोलॉजी का मतलब, रिसर्च मेथोलॉजी का मतलब आपने आपका रिसर्च मेथोलॉजी क्या है। ठीक है, आप एक लाइन दे सकते हैं कि रिसर्च मेथोलॉजी का मतलब ये होता है, हालांकि वो भी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पीपल नो आप ये जी लेवल पे हैं, जो यदि रिपोर्ट पढ़ रहा है, जो पेपर पढ़ रहा है, उनको ऑलरेडी पता है वो चीज। आपको देना है कि आपका रिसर्च मेथोलॉजी क्या है। तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है जब आप रिपोर्ट बना रहे हैं, या थीसिस बना रहे हैं, या रिसर्च पेपर जब भी बना रहे हैं, तो इस चीज को विशेषकर ध्यान रखिए कि हाउ डू यू डिफाइन ऑल दोस थिंग्स, ये चीजें कैसे जो है आप टेकअप करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि पायलट टेस्टिंग के क्या रिक्वायरमेंट है। सी, पायलट टेस्टिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने जो स्टेप बताया, ये 10 स्टेप बहुत ही स्पेसिफिक बताया है। ठीक है, एक टेस्ट एक स्टेप के अंदर उसका सब स्टेप्स भी हो सकता है, जिसमें आपका ने जो पॉइंट उठाया है वो है पायलट टेस्टिंग। सो पायलट टेस्टिंग क्या होता है कि हम लोग जब क्वेश्चनेयर को बनाते हैं तो हम लोग पहले उसको एक छोटे से ग्रुप में टेस्ट करते हैं,
और ये जानने के प्रयास करते हैं कि जो हम लोग चाह रहे हैं वो रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है कि नहीं इस क्वेश्चनेयर के माध्यम से। क्वेश्चनेयर को हम लोग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टडी। तो जो इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल किया है उससे हम लोग को जो हम लोग को आंसर चाहिए, जो हम लोग को डेटा चाहिए वो हमें मिल रहा है कि नहीं। जो इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज किया है, जो क्वेश्चनेयर मैंने यूज किया है, क्या लोग उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। जो क्वेश्चंस हमने उसमें पूछा है क्या वो एम्बिग्यूअस है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या बहुत ही डायरेक्ट है, लोग जवाब नहीं देना चाहते हैं क्या। देखिए पायलट स्टडी हम लोग करते हैं ओपिनियन देखने के लिए कि ये सब सारी चीजें फुलफिल हो पा रही कि नहीं। अगर वो सब चीजें ओके हैं, कोई रिव्यू नहीं आ रहा है, देन वी गो फॉर हायर लेवल से कंप्लीट, फिर हम लोग डेटा कलेक्शन पे चले जाते हैं। अदरवाइज अगर पायलट स्टडी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉजिटिव हम लोग को रिस्पॉन्स मिलते हैं कि इसमें ये चीज भी अगर होता तो बहुत अच्छा होता। कई बार क्या है कि क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो आप हैं, आपके सुपरवाइजर हैं, एक दो लोग हैं, दो तीन लोगों का दिमाग लगता है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग अपने प्रस्पेक्टिव से बना रहे हैं, लेकिन जो जवाब दे रहा है उसका, जो उसमें रिस्पॉन्स कर रहा है वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। हम प्रॉब्ली हम लोग इस पोजिशन में नहीं होते हैं कि हम ये समझ पाए कि जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो किस डायरेक्शन में सोच रहा है। तो उसके ओपिनियन को जानने के लिए हम लोग को पायलट स्टडी करने की आवश्यकता होती है। पायलट स्टडी में जो भी हम लोग सजेशंस मिलता है सीरियसली हम लोग लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं तो वो करते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो सारा टेस्ट करते हैं। अगर वो सही रहता है देन वी कैन गो फॉर फुल फ्लेज्ड डेटा कलेक्शन मेथड। तो इसलिए जो है पायलट सर्वे वो टेक्निक इस्तेमाल होता है। फिर लोग बोलते हैं कि हाउ मच, व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ पायलट सर्वे या सैंपल। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन अगेन मैं आई विल गो फॉर रूल ऑफ थंब, जहां पे लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट 10%, अगर आपने 500 सैंपल साइज लिया है तो एटलीस्ट 50 लोगों पे उसका पायलट सर्वे होना चाहिए। तो 10% का रूल ऑफ थंब है, हालांकि इसमें कोई हार्ड एंड सही इतना होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो मेजोरिटी ऑफ द रिसर्चेस हैं वो 10% को कोट करते हैं। तो उनको आप कोट करते हुए आप भी 10% जो है पायलट सर्वे पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस आर द 10 steps that we follow in research process. तो research planning आप जब भी करिए इन चीजों का ध्यान रखिए, इन चीजों को दिमाग में रखते हुए ही जो है अगर आप रिसर्च पेपर लिखते हैं या PhD थीसिस लिखते हैं या PhD स्कॉलर्स को गाइड करते हैं तो आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत ईजी होगा और जो क्वालिटी ऑफ वर्क होगा वो हाइएस्ट डिग्री का होगा। That is all from my side. If you have any questions, I think now we can open the house for questions. Thank you so much, sir. I can see that you have answered all the questions from the chat. Yes. Thank you so much for this. And now I would like to request Professor G.N. Sarma, sir, to kindly present the vote of thanks to Chinmay Roy, sir, for this wonderful session. In the meantime, if someone have any query, they can put in the chat box. Yeah, sure. Till the time the sir is arriving, please do. If you have any query related to. I'm so sorry. I don't have any PPT. Someone asked. That's okay, sir. It was a wonderful session even without PPT. Thank you so much for this session. Thank you so much, Soumya. Thank you so much. I request participants, if there are any more queries, please do put it in the chat box. I will be happily to answer your questions. Is historical data of stock price available? Yes, of course. Stock prices ke data to bilkul available hai. Stock market ke data bahut acche se available hai.
और आपको डे वाइज भी मिल जाएगा, इवन डे के अंदर भी जो है आवरली बेसिस पे भी आपको डेटा बेस मिल जाएगा. इट इज अवेलेबल फॉर लास्ट हाउ मेनी इयर्स, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट अगेन मुझे लगता है कि 20, 25, 30 साल का तो होगा ही होगा. एंड बट यू हैव टू गो फॉर सम गुड डेटा बेसिस. अगर अच्छे डेटा बेसिस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा. Is it free? No, I'm not sure. It might be. आप कुछ जो free websites हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. Otherwise, paid version में आपको जो मैं specifically बता रहा हूँ वो तो आपको paid में ही मिलेगा. Otherwise, moneycontrol.com भी बहुत सारे ऐसे website हैं जहाँ पे आपको database मिल सकता है, या Nifty के NSE, BSE जो ये है इनके website पे भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा. हाँ, गुड डेटा बेसिस आर पेड, यस करेक्ट वरुण, इस कर सेइंग राइट. आपको अगर स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे, अच्छे डेटा बेसिस की बात करेंगे और उस लेवल की बात करेंगे कि हाँ डे वाइज का मिल जाए और घंटे के हिसाब से मिल जाए, हर घंटे में क्या प्राइसेस फ्लक्चुएट हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएगा. बट अगेन दे आर अवेलेबल इन पेड वर्जन. एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट साइड? काइंडली नेम इफ यू लाइक. ब्लूमबर्ग इज देयर, Provis is there. Soumya, yes. Yeah, Provis is there. CMI, you CMI can get database. The data from there. Yes, get the data from there as well. Although they are the paid versions, and you can get it by visiting the library of any of the institutes, those who are having it. So you can get it from there. Yes, Bloomberg is there. CAPIQ, Provis IQ, yes, all these are there. Bloomberg jo hai bahut hi costly bhi hai, lekin bahut hi आपको relevant data मिल जाएगा. Quite efficient as well. It's, yes, yes. It provides relevant data as well. As Soumya said that if you visit some IIMs, NITs, IITs, so Soumya is in NIT Allahabad, probably आपको सबको पता होगा. तो उन लोगों के पास databases होते हैं. अक्सर university system में कुछ कुछ university में होते हैं. लेकिन please explain banking sector, financial inclusion, public sector. I couldn't get the question. Soumya, if you could help me. Explain banking sector, financial inclusion, public sector. I hope person is asking that, Mahesh is asking that, what is the role of banking in financial inclusion? I hope what he meant, what I can find out from his sentences. Okay, so obviously financial inclusion, देखिए तो area specific है. फाइनेंशियल इंक्लूजन का में तो बैंक का तो रोल है ही है. फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या बोलता है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस में लोगों को कैसे हम जोड़ें, यही चीज है. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है हाउ वी एड पीपल टू द मेन स्ट्रीम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. सो अगर हम लोग बैंकिंग से जोड़ना है तो ऑब्वियसली बैंक का रोल तो उसमें इंपॉर्टेंट है ही. ऑब्वियसली देयर इज अ रोल. एंड इफ यू आर टॉकिंग दैट वेदर वी कैन टेक दिस टॉपिक एज ए स्टडी, देन एब्सोल्युटली यू कैन गो फॉर. आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे मुद्रा वगैरह जो प्लान्स हैं, जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज व्हिच आर बीइंग फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो देयर आर वेरियस पॉलिसीज दैट आर बीइंग लॉन्च्ड फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो यस यस, इंडिविजुअल स्टडी कैन इवन बी डन ऑन दैट. Yes, so yes, I hope yes. Participants are done with their questions, as well as we are having Girish Nandan sir with us. So yes. I request sir to kindly present the vote of thanks to Dr. Chinmay Roy sir, so that for presenting such a wonderful session. Over to you, sir. Dhanyavaad Soumya. और विशेष धन्यवाद महाराज जी को, आप लोगों ने इतना ऋण हमको दे दिया, इस ऋण को हम कैसे चुकाएंगे. सर सर सर, आई थिंक सर का माइक ऑफ हो गया है. या सर, प्लीज जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. सर 2 मिनट में जुड़ता है. ओके ओके, श्योर सर.
till the time participants are still having time and we are still in the time lapse. I would be more than I would be more than happy to answer the questions. So please just I'm sure the organizers of this FDP will share my contact details. Probably if you have any questions in future also, I would be more than happy to help you as much possible from my side. Yeah, sure. So we will be doing that. And I request participants, if any more questions are there till the time sir is logging in and provide vote of thanks, so we can have few more questions. So I have, there is a one more from Pankaj Kumar Mahoto. Yes, yes. Name a few sites from where we can get good literature related to stock. See, for literature review, स्टॉक मार्केट का डेटा की बात करें तब तो वेबसाइट है. अगर आप लिटरेचर रिव्यू की बात करें तो आपको जो है रिसर्च पेपर्स पे ही जाना पड़ेगा. सो रिसर्च पेपर्स अगेन देयर आर वेरी मेनी वेबसाइट्स जो फ्रीली अवेलेबल है, जैसे रिसर्च गेट हो गया, जेस्टोर हो गया, ये सब पे आप जा सकते हैं. अदरवाइज आपका जो यूनिवर्सिटी है या जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सारे जर्नल्स को सब्सक्राइब की होती है, जैसे कि एमराल्ड पब्लिशिंग हो गया या एल्सवेयर हो गया या बहुत सारे उसमें हैवीली पब्लिकेशंस हैं, तो बहुत सारे जर्नल्स को वो सब्सक्राइब की होती है, तो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं. लेकिन आप अगर आपको जानना है कि कौन कौन से पेपर्स हैं तो आप प्रॉब्ली रिसर्च गेट, जेस्टोर या गूगल स्कॉलर, ये तीन आई थिंक हैं जहाँ पे आपको ये मालूम चल जाएगा कि कितने आपके जो हैं उस एरिया में क्या क्या काम हुए हैं. फिर उनके उनके इंडिविजुअल वेबसाइट पे या उनके जर्नल के वेबसाइट पे आप जा करके आप सर्च कर सकते हैं. Sure, sir. Thank you so much for this question, answering this question. And now, moving again to the Krishnandan sir, over to you, sir. मैं जरा सा हम समय लेंगे, दो मिनट. हमारे वाइस चांसलर जो हैं, जी जी जी, yes sir. वाइस चांसलर जुड़ने जा रहे हैं. जी बिल्कुल sir. बोझिल हो गए थे उनके न रहने से, और वाइस चांसलर लास्ट में अभी प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति के प्रोग्राम से थोड़ा फ्री हुए हैं, तो दो शब्द हम चाहेंगे कि वो अगर हम लोग को दे देते हैं तो उन्हीं से जोड़ने के लिए हम आपको बीच में रोक दिया. वैसे कहा तो कि आप लोग के भार से हम जो है अब तिलमिला रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे चुकाएंगे आप लोग को. सर सर सर, आपका आशीर्वाद ही काफी है सर. शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग बाप है कितना तरह तरह का कसरत दिखला रहे हैं उन लोग को. इतना कर लेगा अगर सब हमारे बच्चे तो नाम कर जाएगा सर, आप कर जाएगा कुछ जगह. राय जी, आपका जो है सहयोग के लिए क्या है विषय. सो मैं प्लीज कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर विषय सर. यस श्योर सर. लास्ट As I mentioned on the, you know, in the inaugural session, sir could not make up due to his extra busy schedule with the other work. So now he is with us. And now I would like to request Professor Rajendra Prasad, sir, Vice Chancellor, Magad University, Bodh Gaya, as due to his presence and permission only, we could make up this program a successful one. He has served education fraternity as various at various positions, not only in the Magad University but also at the Bodh Gaya. So I request you, sir, once again, and welcome you to this workshop, 1 week online FDP workshop on research methodology. Over to you, sir, and I request to address the participants.
Am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. First of all, I extend a very warm welcome to all the participants in the ongoing faculty development program. And as a matter of fact, it is just a chance that I missed the inaugural opportunity as well as the opportunity to listen to so many scholars of international repute on the issues of research and research methodology in the 21st century. You all know that we live in the knowledge age, and India is trying hard to become a knowledge superpower, which requires to establish a balance between our hopes, aspirations, and the ventures or endeavors which are being made through different research institutions and universities. You know, the younger generation is peeping through the hopes and aspirations. And almost 90% of the students' population is in state universities. Out of all universities and colleges, specialized institutions, we feel that the state universities, particularly funded by the government, are under heavy pressure. अनिकेत जी देख लिया मैंने भेज दिया है ठीक है ओके अभी मैं बात करता हूँ ना मैं एड्रेस ही कर दी थी आपसे फिर बात करता हूँ I'm sorry for the interruption. In fact, in such a situation, research and innovation has become highly challenging domain. And in the entire domain range and scope of higher learning and research, so many new ideas are coming up. And the existing traditional system of universities cannot cope with the needs of the needs and aspirations of the younger generation in the near future as well as in the distant future. That is why the ideas of holding faculty development programs would certainly pave the way of sensitizing the younger teachers and faculty members so that they could contribute meaningfully in the years to come. And I'm quite hopeful that taking research as a very prime area for the overall sustainable development of India and other requirements like national security and very, very esteemed place for Indian Republic in the community of nations, we have to strive hard for higher research and learning. And therefore, the development of such courses and programs and relevant methodologies for innovation and research would certainly be required, irrevocably required, and I hope this kind of venture as being made by the Faculty of Commerce and Management, I personally feel that in the years to come, Bagad University would be one of the prime centers of research and innovation and pave the way of overall development of the country, along with sustaining the needs of the local or regional issues.
And of course, so many issues and problems which are highly visible in different geographical confines of our localities, of our regions of Bihar. I personally feel that through the creation of knowledge, accumulation of knowledge, and dissemination of knowledge through higher research or in advanced research and learning, we could contribute meaningfully. And that is why I congratulate all my colleagues of the Faculty of Commerce and Management who have initiated this program and organized it for the benefit of the young teachers and the scholars to have a futuristic and holistic view of advanced learning and research involving innovation, because these are times when try men souls, and with the current education, new education policy, of course, national new education policy, there are so many things which are path breaking. Faculty development program, which provides training and confidence as well as credibility to the younger teachers or middle level teachers to strengthen their academic muscles in such a fashion that in the years to come, they can contribute meaningfully to the intellectual property domain of the country. And I hope the commerce and management area encompassed by the current phase of development in the field of higher education would certainly be an integral component along with other components. And since the new education policy is going to integrate all the branches of knowledge, including commerce and management, humanities, social sciences, pure sciences, and other branches of knowledge. So it is high time when we have to develop a multidisciplinary approach to our research and innovation. And of course, we should and must collect data and analyze data for the benefit of the individuals, the inclusive growth of the country, and marginalized sections of the society, because we have to tackle the problems of our society. And you all know that Indian society is passing through different stages of development. Some regions and states are very poor. Their societal and economic problems are manifold. And therefore, you require a very, very sensitive and informed mindset of people. And I think we have to create a large student I hope there is some network issue at the sir's end. Dhirin sir, can you please verify this? Just a minute. Yeah, sure, sir.
ideas which I have used to share on such occasion for create a very vibrant intellectual culture in the university system. I thank you all, my friends, faculty members, and the young teachers to integrate your ideas and collect the ideas from different sites for the betterment of the, for the well-being of the humankind. Because this is the time when we have to realize the components of predictability encompassed within the new lenses of 21st century intellectual considerations. And it is high time when we must realize these things and collaborate meaningfully with other branches of knowledge. Because research is a common platform, and particularly when you do some basic research and it gets available for the benefit of the mankind, it becomes the intellectual property of the entire humanity. And the, all the scientific researches which have been done globally, and ultimately the inflow and outflow of knowledge, both scientific as well as other branches, had gathered a moment, and that is to be realized even today, 21st century. Aro vadra kato yantu vishvata. Let all noble ideas come from all sides. Have data, analyze them, and make them available for the benefit of the society, for the inclusive growth, inclusive and sustainable growth and development of the Indian society in particular. Because we live in a global village in which we must promote interdependence. And during promoting interdependence, we must realize that these intellectual vibrations which emerge and, you know, expand in the corridors of universities and higher institutions require special emphasis for such programs which are now branded as training programs, workshops, or faculty development programs, and so on and so forth. So I congratulate you on this occasion and wish you all the best. Thank you very much. Thank you so much, sir, for enlightening us for the conducting this program. And I hope, as you talked about the state universities and the various educational institutions around the country, I hope Magad University is flourishing well, as conducting in the 6 months they have conducted almost 4 to 5 workshops on the research methodology as well as the various pandemic situations. So I hope they are flourishing well and they would achieve well in future. So thank you so much, sir, for wonderful guidance. And now I request Girish Nandan, sir, to kindly forward with the vote of thanks to Chinmay Roy, sir. Sir, you are not audible, sir. Please unmute yourself, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir, now you are audible. Soumya, अभी तो हमको ऊर्जा मिली है. अभी हमारे ऑलराउंडर वाइस चांसलर शिक्षा क्षितिज पर अमोघ अस्त्र की तरह चारों तरफ बाण चलाने वाले वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी. अभी कुछ देरी पहले हम मायूस थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कैबिनेट से जुड़े हुए थे. अभी कुछ क्षण निकाल करके हम लोग के बीच आए और हम लोग को जो है से उत्साह वर्धन किए, हम लोग को मोटिवेट किया. इसके लिए उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ. सौम्या जी, चिन्मया राय जैसे पर्सनैलिटी हमारे पास है तो फिर क्या दिक्कत है? कोई भी किसी भी प्रकार का कोई उलझन, छोटी हो बड़ी हो, उलझन को सुलझाने में वो माहिर है. इसलिए मैं उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ. और फिर मेरा ये कार्यक्रम आगे इसी तरह से
द्रुत गति से चलता रहे, जो लौ जला है सौम्या आप इसके जो है से सुनहरा हस्ताक्षर है कि जब जब मेरा कार्यक्रम हुआ उसमें बढ़ चढ़ करके आपने हिस्सा लिया है, तो और राय जी इसके जो है से भी प्रत्यक्ष दर्शी है, और मैं जब तक हूं तब तक इस मगध विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। इस अपेक्षा के साथ मैं आज के सत्र में जितने भी प्रतिभागी सब उपस्थित हुए हैं सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, ताकि वो अपने जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ कर जाएंगे जो उनका नाम सब कोई लेगा कि हाँ इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पहुंच बनाई। जैसे आप लोगों को देखने के बाद हमारे स्कॉलर में यह उत्सुकता तो जागती ही है कि काश हम भी कुछ करें ताकि हमारा भी नाम हो, कुछ काम हो। तब जग में आए हैं तो कुछ काम करना है। आज की कथा बस इतना ही, आज की कथा को बस यही पर हम लोग विराम देते हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए कल के लिए फिर तैयार होते हैं। इसलिए अंत में सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से, और डैसिंग वाइस चांसलर कुलपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी हमारे विभाग के लिए 2 मिनट समय निकाल ही दिए, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई रिक्वेस्ट, थैंक यू सो मच सर चिन्मय स्वाई सर एंड फॉर द वंडरफुल सेशंस, एंड थैंक यू पार्टिसिपेंट्स फॉर अटेंटिवली लिसनिंग एंड being present here. Thank you so much. Now I request every participant, if they want, they can exit. And it's just, I want to announce that tomorrow we will be starting the sessions from 10:25 a.m. So please be just on time.